तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है ना, वो एक ऐसा टॉपिक होने वाला है जिससे आप लोग बहुत ही आसानी के साथ में दोस्तों YouTube पर जो है वीडियो क्रिएट कर सकते हो, और बहुत आसान वीडियो क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। जिसमें आपको कुछ मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ आपको अपनी आवाज डालनी है, ठीक है। आवाज कैसे डालनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर लोग जो है जल्दी से जल्दी वायरल हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये टॉपिक है ना हर किसी के घर में देखे जाते हैं, हर किसी घर में इस चीज का क्रेज हो जाता है, क्योंकि दोस्तों हर किसी घर में कोई ना कोई छोटा बच्चा जरूर होता है, और जिसके घर में छोटा बच्चा है समझ लो उसके घर में ये वीडियोस तो जरूर देखे जाने हैं, ठीक है। सो दोस्तों क्या टॉपिक है और कौन से वीडियो के बारे में बात कर रहा हूं, और इनसे क्या कितनी अर्निंग होगी वो भी मैं आपको लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा यहां पर, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि ये कहां से आपको कैसे क्या क्या जो इनका मटेरियल है कैसे मिलेगा, ठीक है। सो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर दबा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहां पर हर रोज ऐसा नॉलेजेबल कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक हिंदी कहानी वाले चैनल की। जैसा कि मैं यहाँ पर अपना फ़ोन ले लेता हूँ और यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको समझ आ जाएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर लिया, और यहाँ पर एक चैनल ओपन है जिसका नाम है खुशबू की कहानियाँ, ठीक है। इस पर आप जो वीडियो देखोगे, इन पर हर वीडियो पर आपको देखने को मिलेंगे मतलब मिलियन में व्यूज़ देखने को मिलेंगे, ठीक है। के तो छोड़ो, मिलियन में व्यूज़ मिलेंगे। देखिए आप यहाँ पर 44 मिलियन, 5 मिलियन, 3.6 मिलियन, 3.2 मिलियन, 3.1 मिलियन, ठीक है। यानी कि हर वीडियो में आपको यहां पर 1.5 मिलियन के ऊपर ही व्यूज मिलेंगे, ठीक है। अब दोस्तों ये चैनल जो है ये किस तरीके से क्रिएट करते हैं और इनकी अर्निंग क्या है, सबसे पहले आप लोगों को अर्निंग की ज़्यादा मतलब आप लोगों को क्यूरियोसिटी रहती है कि अर्निंग कितनी होती है वो पता चल जाए, ठीक है। सो दोस्तों यहाँ से हम इसको बैक करते हैं और यहाँ पर हम चलते हैं अर्निंग दिखाते हैं आपको कि इस चैनल की जो अर्निंग है वो कितनी यहाँ पर होती है, ठीक है। सो यहाँ से हम इसको बैक करते हैं। बैक करने के बाद हम चलते हैं अपने गूगल क्रोम के अंदर, और गूगल क्रोम के अंदर हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से आपको अर्निंग चेक करनी है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं मैं क्रोम पे आ गया हूँ। क्रोम पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं एक न्यू टैब ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ socialblade.com, ठीक है। काफ़ी सारे लोग ये भी बताते हैं कि ये जो वेबसाइट है वो फेक अर्निंग बताती है, ठीक है। लेकिन दोस्तों कितनी भी फेक बताए, जो मैं मिनिमम से मिनिमम अर्निंग होगी वो आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, ठीक है। सो यहाँ पर मैं सोशल ब्लेड वेबसाइट को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो चैनल का नाम है खुशबू की कहानियाँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ। अभी तो मैंने अपना खुद का ही सर्च किया था एक बार, तो उसी का दिख रहा है इंटरफेस, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ खुशबू की कहानियाँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं खुशबू कहानियाँ लिख देता हूँ, खुशबू की कहानियाँ, ठीक है। अब इसको लगाकर मैं सर्च कर देता हूँ, ठीक है। सर्च कर दिया। अब सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पर वो चैनल आ जाएगा, ठीक है। अगर और भी चैनल होंगे उस नाम से तो वो भी आ जाएंगे। तो यहाँ पर पूरे YouTube पर एक ही चैनल है, ये खुशबू की कहानियाँ इस नाम से, ठीक है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पर टैप करेंगे, ठीक है। टैप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो इसका जो एस्टिमेटेड मंथली का रेवेन्यू दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर जो कम से कम बिल्कुल लो वो कितना दिखाई दे रहा है, $291, ठीक है। और दोस्तों जो ज़्यादा से ज़्यादा मंथली का दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है $4,500, यानी कि $4,700, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने कितना भी मान लिया कि ये जो वेबसाइट है बहुत ही ज़्यादा फेक बताती है, बहुत ज़्यादा फेक बताती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने चलिए $4,500 यानी कि $4,700 को हटा कर, और यहाँ पर मैं मिनिमम $291 हैं इनको भी हटा कर, मैं यहाँ पर बीच का कर लेता हूँ, $1,000 मान लेता हूँ मैं, ठीक है। इसकी जो अर्निंग है वो $1,000 में मान लेता हूँ, ठीक है। तो $1,000 होने के बाद अब चलिए हम यहाँ पर एक न्यू टैब ओपन करते हैं, आपको दिखाते हैं कि $1,000 की जो कीमत है आज की डेट में क्या है हमारे इंडियन रुपीस में। तो यहां पर हम देखते हैं $2 INR करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो जो $1,001 कीमत है $81 है, तो यहां पर $1,000 कीमत जो है वो यहां पर हो गई है $81,520, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि $81,520 इस चैनल की मंथली की अर्निंग कम से कम है, ठीक है। दोस्तों ये जो अर्निंग है ये होती तो है, लेकिन इसके लिए जो हमें स्टोरी चाहिए होती है, जो कहानियां चाहिए होते हैं, वो कहां से मिलेंगी। तो दोस्तों हमें क्या करना है, मैं यहां पर दिखा देता हूं आपको, गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद आपको यहां पर सर्च करना है हिंदी कहानियां, ठीक है। हिंदी कहानियां जैसे आप सर्च करोगे यहां पर आपको फर्स्ट नंबर में वेबसाइट मिलेगी हिंदी कहानियां, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहां पर काफी सारी कहानियां देखने को मिल जाएंगी। यहां पर जो है काफी सारी जो हमारे पुराने लेखक थे उन्होंने लिखी हुई हैं, उनके भी जो उपन्यास वगैरह हैं सब मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम जैसे एक कहानी क्लिक कर लेते हैं, जैसे अलिफ लैला कहानियाँ, ठीक है, यही मिल रहा है। तो इसी पर हम इस पर टैप करते हैं, ठीक है। इस पर टैप करने का दोस्तों यहाँ पर इसकी जो अलिफ लैला कहानी है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, ये कार्टून टाइप वीडियो बनाती है ना, तो यहाँ से तो आपको कहानी आपको पूरी लिख लेनी है या याद कर लेनी है, या फिर आप फ़ोन में ही स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपको इस तरीके की जो है PNG बनाने होंगे, जो
फोटो होते हैं जिसमें जो कहानियां जो चिड़ियां वगैरह बोल रही हैं इनके वीडियो, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा प्ले करके दिखा देता हूँ एक वीडियो, ठीक है। यूट्यूब पर चलता हूँ, यूट्यूब पर चलने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर इनका एक वीडियो प्ले करता हूँ, दिखाता हूँ कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ये वीडियो मैंने प्ले किया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो करेक्टर है, कोई कौआ है, कोई चिड़िया है, कोई कुछ है, तो यहाँ पर जो ये फेस लगे हुए हैं, ठीक है, ये फेस लगने के बाद, ठीक है, और जो ये पोस्टर बनाए जाते हैं ये पूरा फ्रेम होता है, ठीक है। तो किस तरीके से कार्टून वीडियो के जो ये पोस्टर होते हैं और कार्टून वीडियो होते हैं वो किस तरीके से बनाए जाते हैं, इस पर डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी चैनल पर पड़ा हुआ है, ठीक है। सो आप लोग वहां पर जाइए और इस जो है कैटेगरी के इस वीडियो को देखिए जो मैंने अपलोड किया कि कार्टून वीडियो कैसे बनाए, ठीक है। इसको देखने के बाद आप जो है आसानी से बना सकते हो, आप इस तरीके का पोस्टर बना लो, उसके बाद लेयर बढ़ा दो, लेयर जितना भी आप जितनी भी आपकी स्टोरी की लेंथ हो, उसके बाद यहां से आपको सिर्फ डबिंग करनी है, ठीक है। डबिंग करने के बाद दोस्तों आप यहां पर अपने वीडियोस को अपलोड कर सकते हो और दोस्तों जल्दी से जल्दी ग्रो कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों जिसके घर में एक बच्चा होता है ना वो एक वीडियो को कम से कम 10 बार प्ले करके देता है, और जब एक वीडियो एक फोन में 10 बार कोई चीज देखी जाती है ना तो यूट्यूब ये समझता है कि इस वीडियो के अंदर काफी अच्छा कुछ जो है टैलेंट है, इस वजह से ये वीडियो ज्यादा देखी जा रही है और उस वीडियो को यूट्यूब ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है, इस वजह से ये वीडियो बहुत जल्दी वायरल होती है और दोस्तों आप भी इस तरीके के चैनल बनाकर काफी जल्दी यूट्यूब पर ग्रो कर सकते हो। सो आई होप दोस्तों आशा करता हूं आपको वीडियो काफी पसंद आएगी, अगर पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, क्योंकि यहाँ पर हर रोज ऐसा नया रिजल्ट कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए दोस्तों आप अपना ख्याल रखिएगा, वंदे मातरम, जय हिंद।